वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों देखिए, इंडियन नेवी के अंदर दोबारा से भर्ती आ गई है, और ये जो भर्ती है वो किस पोस्ट पर है, क्या क्या इसमें मांगा है वो आप खुद देख लीजिएगा। एक बार इस नोटिफिकेशनों का पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही इसके लिए आप अप्लाई करना। और ये ऑनलाइन इसका पेपर होगा, इसका मतलब जितने भी फॉर्म इसमें भरे जाएंगे उन सबका कॉल लेटर आएगा। आप ये देख लीजिए ये किस लायक किस तरह की भर्ती है। देखिए आप इस नोटिफिकेशन को आप देख रहे होंगे, ये इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड किया हुआ है, और इसमें देख सकते हैं आप सिविलियन के लिए यहाँ पर भर्ती आई है और इसमें क्या क्या मांगा है वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो वैकेंसी ये पूरा यहाँ पर दे रखा है, एक तो चार्ज मैन है जो कि मैकेनिकल में निकला है, एक चार्ज मैन है जो कि अम्यूनिशन, ठीक है, एक्सप्लोसिव जो भी सामान होता है डिपो वगैरह में, नेवी की जो डिपो होती है उनके अंदर ये भर्ती निकली है। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप खुद देख लीजिएगा। एज आपका यदि 18 से 30 साल के बीच में है तो आप इसका आराम से फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखो दोनों ही पोस्ट के लिए उन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है। यदि आपके पास डिप्लोमा है और 2 साल का यदि एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेशल देख सकते हैं कि चार्ज मैन मैकेनिकल के लिए उन्होंने बोल रखा है कि डिप्लोमा जो होना चाहिए वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बोल रखा है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। इधर देख सकते हैं चार्ज मैन का भी यही यहाँ पर दे रखा है, तो चार्ज मैन के भी यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट जो भी दे रखे वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर इसका एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, और जो फीस जो बताई गई है वो 205 इसकी फीस रखी गई है, और लिखा गया है कि एडमिट कार्ड जो है वो अगर आपने सक्सेसफुली पेड कर दिया है अपना चालाना तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहले कॉल लेटर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में भी आपके लिए पूरा पूरा बता रखा है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। मतलब ये हुआ कि आप इस पूरे नोटिफिकेशन को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।